यूपी के लखीमपुर में अपराधियों के हौसले आप देखिए, वो हौसले कहेंगे आप या हिमाकत, कि वो घर के सामने से लड़कियों को अपहरण करके ले जा रहे हैं और अपना नाम बताकर फिरौती मांग रहे हैं। साफ है कि उन्हें किसी का डर नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं रहा उत्तम प्रदेश, बेखौफ हो गए हैं अपराधी। लखीमपुर में सरेआम अपहरण, गुंडों ने तीन लड़कियों का किया अपहरण। क्या यूपी में खत्म हो गई कानून और व्यवस्था? जवाब दो अखिलेश सरकार। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, यहां कानून और व्यवस्था को लगातार चुनौती मिल रही है। शनिवार देर रात एक व्यापारी की तीन लड़कियों का अपहरण कर लिया गया और अब उनसे 50 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। फोन आया है क्या उन लोगों का? हाँ, उनका फोन आया था, 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। कह रहे थे अगर 50 लाख रुपए नहीं दोगे तो तीनों को मार के नदी में डाल दिया जाएगा, तब पैसे दोगे तो कहा गया इतनी जल्दी पैसे की तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो बार बार यही कह रहे थे कितनी जल्दी पैसा दे सकते हो, तो ये कहा गया कि थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो 24 घंटे का टाइम दिया है कि 24 घंटे बाद अगर पैसा नहीं दोगे तो उनकी लाश मिलेगी। बताया जा रहा है कि लखीमपुर के सिंगाही थाना क्षेत्र के गांव खेरीगढ़ के कोल्हू व्यवसायी रामबलि गुप्ता की तीन बेटियां कल रात घर के बाहर आग ताप रही थी। वहां इन तीनों बहनों के साथ उनकी मां और घरेलू नौकर भी था। तभी चेहरे ढके हुए 6 लोग आए और उन्हें उठाकर ले गए। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने अपहरण की गई युवतियों के पिता के पास बड़ी बहन के फोन से 1 घंटे बाद कॉल आया। कॉल करने वाले युवक ने अपने आप को गैंगस्टर बग्गा सिंह बताया और उनकी रिहाई के लिए 30 लाख रुपए की मांग की है। तीन बहनों के पिता ने सिंगाही पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 364A के तहत अज्ञात अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लड़की की मां ने बताया है कि ये घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है, जब वो अपनी तीनों बेटियों के साथ घर के बाहर सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठी थी। तभी 6 लोग उनकी तरफ आए और उन्होंने उनके पिता के बारे में पूछा। युवतियों की मां ने उनसे कहा कि वो घर पर नहीं है। इसके बाद युवकों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाली और धमकाना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी को अपहरणकर्ता अपने साथ ले गए। उन्होंने कुछ दूर सड़क के दूसरी तरफ बाइकें खड़ी कर रखी थी, जिन पर बैठाकर करीब 1 किलोमीटर तक उन सबको ले गए। 1 किलोमीटर चलने के बाद युवतियों की मां और घरेलू नौकर के साथ मारपीट की और उन्हें वही धमकी देकर छोड़ गए। तीन बहनों की मां से उन्होंने उनकी रिहाई के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करने की धमकी भी दी। पिता का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में तब पता चला जब उसकी पत्नी और नौकर वापस अपने घर लौटे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घर वालों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने समुचित कार्रवाई नहीं की। पुलिस को सूचना देने के बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस आई। सिंगाई कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है। अगर पुलिस सक्रियता दिखा जाती तो ये घटना जो इतना बड़ा है घटना नहीं होता। तुरंत सक्रियता दिखाई होती है, कंडीशन ही नहीं होता। पुलिस ने आपने फोन किया था, पुलिस ने फोन तुरंत उठा लिया था? नहीं, कई के फांस नहीं उठा रहे हैं, कईयों का काल नहीं उठा। 100 नंबर पर भी फोन नहीं उठा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ऑफिस को टेलीफोन हुआ, मुख्यमंत्री से बात कर ली है, उसके बाद ये हमला पूरा जब है कप्तान को और डीएम किंडल साहब से मेरी बात हुई है, जब मैंने उनको बताया, उसके बाद में पुलिस प्रशासन जब यहाँ कप्तान साहब आ गए तब पुलिस आई है, तब रात में कंप्लेन चालू हुई है। आप कहना चाहते हैं कि जो लोकल के पुलिस के नंबर हैं वो नहीं उठे और सीधे मुख्यमंत्री से आपने बात की, उसके बाद में यहाँ पर पुलिस आई है? तब पुलिस सक्रिय हुई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस कांड के आरोपी गैंगस्टर बग्गा सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। वो सिंगाही क्षेत्र सहित पूरे क्षेत्र में अपनी गैंग चलाता है। सितंबर 2013 में एक सिपाही की हत्या के बाद पुलिस हिरासत से भाग गया था। लखीमपुर से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ मनोज शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राघवेंद्र, जो बात हैरान करती है वो ये कि सरकार को पता है कि ये आखिरी साल है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो जनता के दिमाग में रच बस जाने वाला है और इसी आधार पर जनता फिर ये तय करेगी कि किसको उनके ऊपर शासन चलाना चाहिए। क्यों?
क्यों, लेकिन उसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ कर रही है लेकिन सच को स्वीकार करने से कतरा रही है। लाख दावे करे कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है, जंगल राज की स्थिति है। खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिलाओं रोज अत्याचार के मामले आ रहे हैं, और यह तो अपने आप में एक इतनी बड़ी घटना है जिसको लेकर पूरी सरकार खामोश है। और लखीमपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाले निशान लग रहे हैं। घर वालों ने फोन किया तो सीईओ साहब ने फोन नहीं उठाया। दरोगा साहब ने जब बाद में उनसे लखनऊ से किसी ने कहा तो दरोगा साहब डेढ़ घंटे बाद मौके पहुंचते हैं। और बग्गा नाम का अपराधी सिगाही क्षेत्र में घूम रहा है, अपहरण कर रहा है, और यही उत्तर प्रदेश पुलिस उसके ऊपर केवल इनाम घोषित करके चुपचाप बैठी हुई है। और मेरे सूत्र बताते हैं कि अभी जिस लड़कियों ने इनका क्या इस अपराधी का कोई सियासी सरमायादार भी है क्या? किसके इशारे पर उसके हौसले इतने बुलंद हैं? देखिए, अपराधियों का हौसला इस वजह से बुलंद है, कहीं कहीं सत्ताधारी दल के लोग उनको संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी पे शुरू से ही आरोप लगता है कि यह गुंडों माफियाओं को संरक्षण देती है। और यहाँ बता दें, जिला पंचायत का चुनाव अभी संपन्न हुआ जिसमें से 42 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बलवा डकैती और अपहरण के मामले दर्ज है, वह हमारे माननीय चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 150 से अधिक दागदार सांसद विधायक मौजूद हैं। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह फ्लोर है, और अगर उनसे सवाल पूछा जाता तो कहते हैं कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि चार लोग मिलकर रेप नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या संदेश जा रहा है, और अपराधी क्यों न इस तरह की हरकत को अंजाम दें, और सरकार खामोश क्यों देखती है? सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार की खामोशी पे ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था ठीक करे, लेकिन सरकार अगर कानून व्यवस्था पे अंगुली उठाता है मीडिया तो उल्टे कहते हैं जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं के अखिलेश यादव सबसे बड़ी कमी हुआ है जो सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समय रहते कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं। हाईटेक बनाए जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए अभी पिछले महीने खर्च किए गए उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए, और मोबाइल फोन पर सूचना मिलने के बाद भी डेढ़ घंटे बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच रही है, यही उत्तर प्रदेश हाईटेक पुलिस है। और जिस अपराधी की बात की जा रही है, उस अपराधी का मोबाइल ट्रेस हुआ है, वह तिकुनिया के जंगल में उसका अंतिम बार लोकेशन ट्रेस हुआ है, जो नेपाल से सटा हुआ है। इसका मतलब कि अपराधी नेपाल में शरण लिए हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस केवल खानापूरी कर रही है। बहुत धन्यवाद राघवेंद्र ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन सिर्फ लखीमपुर खीरी में ही आज की बात नहीं रुक रही है। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे आगरा।